हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मोबाइल दीजिए। भाई सभी लोग आ जाओ, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, बहुत बड़ी खुशखबरी हम लोग के सामने आ रही है। देखिए, सिंचाई विभाग में 16,000 पोस्ट आने वाले हैं। हम लोग को सूचना मिली है कि सिंचाई विभाग में 16,000 पोस्ट आने वाले हैं। दरोगा आपके सामने आने वाला है, लेखपाल आने वाला है, यूपी पुलिस आने वाली है, बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, आपके सामने लगी हुई है। बेटा आप मन से ईमानदारी से पढ़ लो। जितने लोग लाइव हैं सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। और आपको एक चीज़ स्पष्ट कर दे रहे हैं, देखो बेटा, किसी को किसी प्रकार से दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हो, उसका सोल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अगर हम मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं, अगर मोबाइल नहीं देख पा रहे हैं, तो इसके पीछे रीजन है कि हम पढ़ाने पर काम कर रहे हैं। तो मैं सबके गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दे पाऊँगा, सबका एक एक नाम नहीं ले पाऊँगा मैं, तो इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि हम पढ़ाने पे काम करेंगे। और आप लोग पढ़ने पे काम करिएगा। किसी प्रकार से किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत होती है तो आप लोग सीधे कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ मैसेज कर दीजिएगा, सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए मोबाइल लगता है। बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गिनती। आप कहोगे गिनती भी पढ़ना पड़ेगा, तो देखो जो आज हम लोग का पेपर लगा हुआ है, जो पेपर होने वाला होगा NTPC का, और जो वैकेंसीज आ रही है, आपका लेखपाल हो गया, दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, इन सब पेपरों में गिनती से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सब लोग जानते हैं, सब लोग गिनती 1 से लेकर 100 तक पढ़ते हैं, सबको पता है कि सब पढ़ते हैं, लेकिन वहाँ से कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाए जाते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन कैसे होते हैं, वो हमारे दिमाग पर होना चाहिए कि जब भी उस टाइप के क्वेश्चन मिले तो हम बना सकें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, और बहुत छोटी चीज़ों पर आपको फोकस करना होगा। आपको मैं बता दूँ कि आज के सेशन के बाद कभी भी आप गिनती से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो छोड़ के आओगे। और आपका लेखपाल है, मैंने बोला, बार बार मैंने बोला कि लेखपाल एक ऐसा पेपर होता है जहां क्वेश्चनों का कोई लेवल नहीं होता है, कहीं से उठा के क्वेश्चन कुछ भी डाल देता है। तो मुझे उस तरह से पढ़ना पड़ेगा, हर छोटी चीज़ों पे कमांड करनी पड़ेगी। वैसे NTPC का भी लेवल SSC के लेवल से कम नहीं होता है। पेपर उठा के देख लो, किसी पेपर में एडवांस का पोर्शन ज़्यादा पूछ देता है, किसी पेपर में अर्थमेटिक का पूछ देता है, और क्वेश्चन का एक लेवल होता है, एक तरीके होते हैं क्वेश्चन के। दरोगा उठा के देख लो, दरोगा के पेपर भी उठा के देख लो। यानी जो पेपर वर्तमान समय में हो रही है हम लोग की, उसमें क्वेश्चनों का लेवल है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपका कंसेप्ट तैयार है, जैसे कि मैंने पीछे नंबर ऑफ जीरो पढ़ाया, अगर नंबर ऑफ जीरो का कंसेप्ट तैयार है, वहां से कहीं भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप बता दोगे। तो आ जाओ शुरुआत करते हैं हम लोग गिनती से, यानी हम लोग बात करते हैं टेबल से। टेबल से हम लोग शुरुआत करते हैं। गिनती आप पढ़ना जानते हो, गिनती आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, बचपन से गिनती पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन गिनती जो होता है, जो गिनती होता है, उसमें से कैसे क्वेश्चन बनाएंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो बेटा, बार बार हम बोलते हैं कि हमारे डिसिमल नंबर सिस्टम में, दशमलव संख्या पद्धति में, हमारे पास यही वह अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। डेसिमल नंबर सिस्टम में यही होता है, क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 10 होता है। 10, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इसी नंबरों से, इसी अंकों से इसको एक तरह से आप क्या कर सकते हैं, संख्या भी कर सकते हैं, एक तरह से अंक भी कर सकते हैं। एक जो है आपकी एक प्रकार की संख्या भी है और अंक भी है। एक अंकों की संख्या है, दो जो आप एक प्रकार का अंक भी है और संख्या भी, तीन जो है आपकी एक प्रकार की अंक भी और संख्या भी है। ऐसे ये एक अंकों की संख्या है, सब अंक है, इन्हीं से संख्याएं बनी हुई हैं, इन्हीं से संख्याएं क्या हुई हैं, बनी हुई हैं। और कितनी बनी हुई हैं हमको नहीं पता है, इसलिए हम लोग इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। आपको पता है कि गूगल शब्द का प्रयोग किया जाता है, गूगल आपको नया चीज बता रहे हैं, गूगल शब्द का प्रयोग किया जाता है। गूगल अस्तित्व में आया 1991 में, 91 या 92 में आया था, 91 या 92 में अस्तित्व में आया था, लेकिन इसके पहले गूगल था। गूगल जो ब्राउजर है हम लोग का, उसके पहले था, सॉरी 1991-92 में आया था, लेकिन गूगल एक नंबर है, नंबर है, इस ब्राउजर से पहले था। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये CDS का क्वेश्चन है, कहाँ पूछा गया था, ये CDS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि गूगल क्या है, और मैथ के पेपर में यानी गणित के पेपर में पूछा गया था कि गूगल क्या है। तो बहुत बच्चों ने क्या बताया था कि गूगल एक सर्च इंजन है, गूगल ब्राउजर है,
लेकिन किसी को दिमाग में नहीं आया था कि गूगल एक नंबर है। तो आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि ये जो अंक आपके सामने दिख रहे हैं एक जीरो से लेकर 9 तक, इसी अंक से गूगल बना है। गूगल का मान होता है 10 के पावर कितना होता है 100 तक। अभी तक हमारे दशमलव संख्या पद्धति में इतनी ही संख्या पढ़ी जा चुकी है, इससे आगे नहीं पढ़ी जा चुकी है। इसीलिए हम लोग क्या लगाते हैं, इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग करते हैं, ध्यान देना। इसीलिए हम लोग इनफाइनाइट शब्द का प्रयोग करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपका मिल गया। अगर कभी भी किसी एग्जाम में मैथ के पेपर में यानी गणित के पेपर में पूछा जाए कि गूगल क्या है, तो गूगल एक नंबर है। जीएस के पेपर में पूछा जाए कि गूगल क्या है, तो गूगल एक सर्च इंजन है। कोई डाउट किसी को, किसी प्रकार से कोई डाउट हो तो बोल देना आप लोग। तो हम कहते हैं कि जो टेबल्स होते हैं हमारे 1 से लेकर 100 तक, फिर आगे हम बनाते जाते हैं। तो हम पहले 1 से लेकर 100 तक की बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं कि 1 to 100 यानी 1 से लेकर कहाँ तक बेटा 100 तक, 1 से लेकर 100 तक की बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में, 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का 8 का 9 का 0 का बगल में यहाँ लिख दो 1 का, इसका यूज कितनी बार किया जाएगा। सपोज दैट मानो आपसे पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 1 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 0 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 5 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 8 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, तो आप 1 से लेकर 100 तक गिनती लिख के निकालोगे। या तो कंसेप्ट क्लियर होगा, दिमाग में बैठा होगा, तो आप तुरंत आंसर टिक करोगे। तो आओ हम बताते हैं कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, 2 का कितना होगा, 3 का कितना होगा, 4 का कितना होगा, 5 का कितना होगा। एक्चुअली मैं इसको दरोगा के लिए और स्पेशली लेखपाल के लिए मैं फोकस कर रहा हूँ इस कंसेप्ट को लेके, क्योंकि लेखपाल में यहाँ से क्वेश्चन एक बनाया जाएगा पक्का। हमने कहा कि अगर मानते हैं 2 का यूज कितनी बार किया जाएगा, सपोज दैट मानो, तो 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का पहला बार यूज कहाँ पे होगा, 2 पे होगा। उसके बाद बेटा कहाँ पे होगा, 12 पे होगा। उसके बाद कहाँ होगा बेटा, 20 पे होगा। उसके बाद कहाँ होगा, 21 पे होगा। और एक 22 पे होगा, 23 पे होगा, 24 पे होगा, 25 पे होगा, 26 पे होगा, 27 पे होगा, 28 पे होगा, 29 पे होगा, 32 पे होगा, 42 पे होगा, 52 पे होगा, 62 पे होगा, 72 पे होगा, 82 पे होगा और 92 पे होगा। ये 2 का सीरीज है। जब 2 का सीरीज ऐसे बनेगा तो 3 का भी सीरीज ऐसे बनेगा, 4 का भी सीरीज ऐसे बनेगा, सबका सीरीज ऐसे बनेगा। तो 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का प्रयोग कहाँ कहाँ हुआ है, पहली बार जान लो। 2 का प्रयोग पहले 2 पे हुआ है, फिर 12 पे हुआ है, 20 पे हुआ है, कितने हो गए 1, 2, 3, फिर कितने हो गए 4, यहाँ पे कितना प्रयोग हुआ है 2 बार, कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने हो गए 7, यहाँ पे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। यानी 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का यूज कितनी बार होगा बेटा, 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का यूज होगा कितनी बार, 20 बार, ध्यान देना। यानी 20 बार प्रयोग किया जाएगा कौन, 2 का। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का प्रयोग 20 बार किया जाएगा। जब 2 का प्रयोग 20 बार किया जाएगा तो बेटा 3 का भी प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, 3 का भी प्रयोग 20 बार किया जाएगा। 4 का भी प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, 20 बार। 5 का भी प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, 20 बार। 6 का भी प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, 20 बार। 7 का भी प्रयोग 20 बार, 8 का भी प्रयोग 20 बार और 9 का भी प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, 20 बार। अब किसी प्रकार से कोई डाउट नहीं, अगर पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती में 2 का यूज कितनी बार किया जाएगा, यानी 2 कितनी बार आया है, तो आपका जवाब होना चाहिए 20। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 3 कितनी बार आई है, तो आपका जवाब होना चाहिए 20। संजोग बस मान लीजिए क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 4 का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा, तो सब कितना बार, 20 बार। 5 पूछ दिया जाए तो कितनी बार, 6 पूछ दिया जाए तो कितनी बार, 7 पूछ दिया जाए तो कितनी बार, 8 पूछ दिया जाए तो कितनी बार, 9 पूछ दिया जाए तो 20 बार। यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखने में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा, 20 बार होगा।
उसके बाद कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा देता है, बोला जाएगा कि एक से लेकर 100 तक गिनती लिखने पे, एक से लेकर कहाँ तक 100 तक गिनती लिखने पे दो का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा जो इकाई के स्थान पे हो, कहाँ पे हो जो इकाई के स्थान पे हो। मैं यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ लिखना शुरू करूंगा। इकाई के स्थान के लिए कितना, पहला तो ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा हो गया, सातवां हो गया, आठवां हो गया, नौ हो गया और कितना हो गया, 10 हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि एक से लेकर 100 तक गिनती में दो का प्रयोग कितनी बार होगा जो इकाई के स्थान पे आता हो, तो कितना होगा बेटा, 10 होगा। कितना होगा, जब तीन भी पूछा जाएगा तो 10 ही होगा, जब चार भी पूछा जाएगा तो 10 ही होगा, पांच भी पूछा जाएगा तो 10 होगा, छह भी पूछा जाएगा 10 होगा, सात पूछा जाएगा तब भी 10, आठ पूछा जाएगा तब भी 10, नौ पूछा जाएगा तब भी 10 और एक पूछा जाएगा तब भी 10 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? यानी हमने बोला यहाँ दो क्वेश्चन मैंने बनाया कि एक से लेकर 100 तक गिनती में दो का प्रयोग कितनी बार किया जाएगा। अगर सिंपल बोला जाए तो आप कहोगे 20 बार किया जाएगा। जब बोला जाए कि एक से लेकर 100 तक गिनती में दो का प्रयोग इकाई के स्थान पर कितनी बार की जाएगी, तो इकाई के स्थान पर जब बोला जाएगा तो कितनी बार किया जाएगा, 10 बार। तीन भी पूछा जाएगा तो तीन भी 10 बार, चार भी पूछा जाएगा तो चार भी 10 बार, पांच पूछा जाएगा तो पांच भी 10 बार प्रयोग किया जाएगा। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप ध्यान देना। किसी प्रकार से कोई किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एक गिनती है बेटा। हमने बोला कि एक से लेके 100 तक गिनती में, कहां तक, एक से लेके 100 तक गिनती में, 100 तक की गिनती में, दो तीन चार पाँच छ सात आठ और नौ, ध्यान देना, का प्रयोग या यूज प्रयोग 20 बार होगा। ध्यान देना, जब भी पूछा जाएगा कि एक से लेकर 100 तक गिनती में दो का प्रयोग कितना होगा, 20, तीन का प्रयोग कितना 20, चार का प्रयोग कितना 20, पहला क्वेश्चन है। और पहले क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन आ गए। दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का कि एक से लेकर 100 तक गिनती में, एक से 100 तक गिनती में, इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पे एक भी शामिल कर लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ का प्रयोग, कितनी बार होगा भाई, 10 बार होगा। कितनी बार होगा, 10 बार होगा। यानी दो क्वेश्चन यहाँ पे स्पष्ट हो गया। उसके बाद अगर मान लो दहाई पे पूछ दिया कि दहाई पे कितनी बार हुआ है, अगर हम बात करते हैं दो को लेते हैं तो दो हो गया, फिर 12 हो गया, मैं नीचे लिखता हूँ थोड़ा ध्यान देना, दो हो गया तब कितना हो गया, 12 हो गया, तब 20 हो गया, तब 22 हो गया, तब कितना हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 32 हो गया, 42 हो गया, 52 हो गया, 62 हो गया, 72 हो गया, 82 हो गया, 92 हो गया। ध्यान देना, अगर मान लीजिए यही शब्द दहाई पे पूछ दिया जाए तो दहाई पे कौन कौन सा होगा भाई, ए वाला हो जाएगा, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, कितना हो गया भाई, 9 हो गया। चलिए ये हो गया हम लोग का कितना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, एक दो हम लोग का हो जाएगा कितना, तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस। अगर बात करते हैं तो दहाई के स्थान पे कुछ छूट रहा है क्या बेटा,
एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, यानी 21 छूट रहा है हम लोग का ना, 21 20 के जगह पे 21 हम लोग का छूट रहा है, तो 21 भी आएगा ना, कह रहे हैं कुछ ना कुछ छूट रहा है यहाँ पे, 21 भी आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी जब इकाई के स्थान पे 10 आया है तो दहाई के स्थान पे भी 10 आएगा। जब पूरे टेबल में कितनी बार आ रही हो, जब पूरे टेबल में 20 बार आ रही है तो इकाई के स्थान पे 10 बार प्रयोग हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि दहाई के स्थान पे भी कितनी बार प्रयोग हुआ है, वहीं एक नंबर मिस हो गया था, तो हम भी कहें 9 क्यों आ रहा है, 10 आना चाहिए इसको। तब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बना सकते हैं, कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, कंसेप्ट को समझना। देखो बेटा, अगर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन, 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में, 100 तक गिनती में दहाई के स्थान पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसका जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा, इसका जो प्रयोग होगा वो 10 बार होगा। कितनी बार होगा बेटा, 10 बार होगा। यानी फिर से एक बार और ध्यान से देख लो, यानी 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में 2 3 4 5 6 7 8 9 का प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार होगा। यानी पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में 7 कितनी बार आएगी, तो आपका जवाब होगा 20। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में 8 कितनी बार आएगी, तो आपका जवाब होगा 20। 1 से लेके 100 तक गिनती में 9 कितनी बार आएगी, तो आपका जवाब होगा 20। लेकिन जब ये पूछा जाए कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में 2 कितनी बार आएगी इकाई के स्थान पे, कहाँ पे, इकाई के स्थान पे 2 कितनी बार आएगी, तो आपका जवाब होगा 10। 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में 2 दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगी, तो आपका जवाब होगा 10। अगर मान लीजिए आपके लेखपाल में यही क्वेश्चन पूछ दिया, हम कहते हैं कि मान लो यही क्वेश्चन पूछ दिया कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में 7 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितनी बार किया जाएगा, 7 का प्रयोग इकाई के स्थान पे कितना किया जाएगा, जब इकाई और दहाई का यूज कर देगा तो 10 बार किया जाएगा। कितनी बार किया जाएगा, 10 बार किया जाएगा। जब आपसे यही पूछ दिया जाए कि 1 से लेके 100 तक गिनती लिखने में 8 का प्रयोग दहाई के स्थान पे कितनी बार किया जाएगा, तो आपका जवाब होगा 10। और मुझे उम्मीद है इसको पढ़ने के बाद कभी आप भूलोगे नहीं, इसको कभी आप नहीं भूलोगे, और आपके दिमाग में बैठ गया है कि 1 से लेके 100 तक गिनती में जो आएगी वो 20 बार आएगी, और दहाई के स्थान पे कितनी बार आएगी, 10 बार। इकाई के स्थान पे कितनी बार आएगी, 10 बार। हम लोग का बचा है 1 और 0, 1 और 0 को लेके चलते हैं, इसको हटा देते हैं। यहां तक तो स्पष्ट हो गया होगा बेटा, यहां तक किसी को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे सेशन समझ में आ रहे होंगे, और जितने बच्चे लाइव हैं उनसे बस इतना रिक्वेस्ट है कि बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। अगर आप कर दिए हो तो अपने छोटे भाई बंधु, बड़े भाई बंधु, जिनसे भी हो सकता है सब्सक्राइब करवाओ, उनको भी हमसे जोड़ो, एक फैमिली मेंबर बनाओ हमारे अध्ययन एकेडमी का, और एक बहुत बड़ा फैमिली मेंबर बनाओ कि हमको पढ़ाने में आपको पढ़ने में मजा आता है। आ जाइए, जैसे कि हम बात करते हैं कि 1 का प्रयोग कितना होगा, यानी हम फिर बात करते हैं 1 से लेके 100 तक गिनती में, 1 से लेके 100 तक गिनती में कि गिनती में अगर पूछा जाए कि 1 कितनी बार आएगा, 1 जो है 21 बार आएगा, 1 जो है कितना 21 बार आएगा, कितनी बार आएगा भाई, 21 बार होगा, 1 जो कितनी बार होगा भाई, 21 बार आएगा, या तो हम कह सकते हैं 21 बार आएगा या तो प्रयोग होगा, कोई डाउट किसी को, 1 21 बार होगा, बाकी सब कितनी बार होंगे, 20 बार होंगे, 1 कितनी बार होगा भाई, 21 बार होगा, बाकी सब 20 बार होंगे। 1 21 बार क्यों होगा, क्योंकि उसका भी सीरीज वहीं चलता है, पहला 1 हमको 1 पे मिल गया, दूसरा 1 हमको कहाँ मिल गया, 10 पे, तीसरा 1 कहाँ मिल गया हमको, 11 पे, फिर 12 पे, फिर 13 पे, 14 पे, 15 पे, 16 पे, 17 पे, 18 पे, 19 पे, और किस पे, 20 पे, सॉरी 19 पे, और कहाँ पे हमको, 21 पे, फिर हमको मिलेगा 31 पे, 41 पे, 51 पे, 61 पे, 71 पे, 81 पे, 91 में, और कहाँ पे, 100 पे। यानी 1 का प्रयोग कितनी बार किया गया है, 20 बार, 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, यानी एक से लेकर 100 तक गिनती में एक का प्रयोग कितनी बार होगा बेटा? एक का प्रयोग होगा 21 बार। कोई डाउट किसी को तो पूछ लेना। दो का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार। तीन का प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार। लेकिन एक का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार। चलिए, जब एक का प्रयोग हमने कर लिया तो हम बात करते हैं कि जीरो का प्रयोग कितनी बार होगा। एक से लेकर 100 तक गिनती में जीरो जीरो कितनी बार आएगा? कितना? जो जीरो है पूछा जाए कितनी बार आएगा। कितनी बार आएगा जीरो? कितनी बार आएगा? तो बेटा जीरो कितनी बार आएगा, ध्यान देना। जीरो तो 10 पे आएगा, फिर कहाँ पे आएगा? 20 पे आएगा। फिर कहाँ पे आएगा? 30 पे आएगा, 40 पे आएगा, 50 पे आएगा, 60 पे आएगा, 70 पे आएगा, 80 पे आएगा, 90 पे आएगा और कहाँ पे आएगा? 100 पे आएगा। जीरो कितनी बार आ गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। जीरो किस पे कितनी बार आएगा बेटा? 11 बार आएगा। यानी एक से लेकर 100 तक गिनती में जीरो कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 11 बार आएगा। अब इसी को क्वेश्चन जिस तरह बना सकता है बनाए, पूछ दे एक से लेकर 99 तक। एक से लेकर कहाँ तक? 99 तक जीरो कितनी बार आएगा? यानी 100 को छोड़ दे रहा है, जब 99 पूछेगा तो 10 बार आएगा, 90 पूछेगा तब भी 10 बार आएगा। तो इसको आप कन्फर्म कर लेना कि एक से लेकर 100 तक गिनती में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 20 बार आएगा, एक आएगा 21 बार और जीरो आएगा 11 बार। और सबसे बड़ी बात यह है कि इकाई के स्थान पे कितनी बार आएंगे सब? 10 बार। दाएं के स्थान पे कितनी बार आएंगे सब? 10 बार। चलिए, एक थोड़ा सा और सेशन है हम लोग का। अगर हम लोग इसको लेके चलते हैं, एक से लेके 100 से ऊपर लेके चलते हैं, थोड़ा ध्यान देना, मैं बहुत बेसिकली समझाने की कोशिश करूँगा। अब 100 से ऊपर चलते हैं। 100 से ऊपर मतलब अगर हम बात करते हैं कि बताओ कि 101, 102, 103, डेड कहाँ तक चलेंगे हम लोग? 200 तक। फिर मान लो 200 तक गए तो यहाँ पे भी वही नंबर्स हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वही नंबर्स हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि बेटा जब 101 से लेके 200 तक की बात करते हैं तो यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं आपको, समझ जाओ। जब एक का प्रयोग, गिनती कहाँ से शुरू हुई है? एक से। तो एक का प्रयोग 119 बार होगा। इसको रट लेना या तो घर पे जाके क्या करना, निकालने की कोशिश करना कितनी बार होगा 119 बार। दो का जो प्रयोग होगा वो कितनी बार होगा? वो होगा 21 बार। कितनी बार होगा बेटा? 21 बार। बाकी जितने बचे हैं, बाकी जितने बचेंगे सबका प्रयोग कितनी बार होगा? 20 बार। थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला जाए अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कि 101 से लेके 200 तक की गिनती में एक का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका जवाब होगा कितनी बार? 119 बार। फिर से सुन लो, 101 से लेके 200 तक गिनती में एक का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 119 बार। दो का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 21 बार। अगर पूछा जाए कि जीरो का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20 बार। तीन का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20 बार। चार का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20 बार। पांच का प्रयोग कितनी बार होगा, तो 20 बार। सबका प्रयोग 20 बार होगा, यानी संख्या गिनती जहां से शुरू होती है वो 119 बार, संख्या गिनती जहां पे खत्म होती है कितनी बार? 21 बार। बाकी सारे कितनी बार? 20 बार। जैसे कि एक और एग्जांपल दे देना, अगर मान लीजिए यहां पूछ दिया जाए कि 201, 202, कहां तक? समलो 300 तक जाते हैं। कहां तक जाते हैं बेटा? अगर पूछा जाए कि बेटा ये बताओ कि दो का यूज कितनी बार आएगा, तो आप कहोगे 119 बार। अगर पूछा जाए कि 201 से लेके 300 तक गिनती में दो का यूज कितनी बार आएगा, 119 बार। तीन का प्रयोग कितनी बार होगा, तो बेटा बताओगे कितनी बार? 21 बार। बाकी जितने भी संख्या हैं सबका प्रयोग कितनी बार होगा, आप कहोगे 20 बार। किसी को किसी प्रकार से डाउट नहीं होना चाहिए। अगर जो व्यक्ति, जो बच्चा अगर जानबूझ के अगर सेशन को ख़राब करना चाहता है, सेशन को ख़राब करना चाहता है जानबूझ के, कुछ देखो बेटा कि 10 लोग में कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, एक दो व्यक्ति ऐसे होते हैं जो एक्स्ट्रा सोचते हैं, कुछ हो नहीं पाता उनका, उनका कुछ नहीं हो पाता, एक्स्ट्रा सोचते हैं। एक्स्ट्रा सोचने का मतलब वो टीचर से बड़ा होना चाहते हैं कि हम टीचर से बड़े हैं, टीचर से कंपटीशन करना चाहते हैं। जो टीचर से कंपटीशन कभी करना चाहता है वो कभी आगे नहीं बढ़ता है, ये स्पष्ट बात है। तो आप टीचर से कंपटीशन ना करो,
टीचर से कुछ सीखो कि वो बोर्ड पे सिखा रहा है, चिल्ला रहा है, कुछ ना कुछ बता रहा है आपको, कुछ सिखा रहा है आपको। अगर ज़्यादा जानकार हो गए हो, अगर आपको इससे ज़्यादा जानते हो, तो शायद आप मत आओ पढ़ने, कोई ज़रूरी नहीं है भाई। दुनिया में बहुत से ऐसे तत्व हैं जो हो सकता है कि ज़्यादा जानते हो, तो भाई आपका स्वागत नहीं है यहाँ पे। हमें उन बच्चों को लेना है जिनको सिखाना है यहाँ पे, उनको कुछ सिखाना है, वहीं बच्चे हमारे साथ जुड़े रहें। आ जाइए 201 से लेकर 300 तक में अगर बात करते हैं, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे ले ले, कोई भी संख्या आ जाए, यानी हम बात करते हैं 301 से लेकर कहाँ तक, 301 से लेकर कहाँ तक बेटा, ये 400 तक की बात करते हैं, तो 3 का ईज जो होगा वो बेटा कितनी बार होगा, 119 बार होगा। कितनी बार होगा, 119 बार होगा। कितनी बार होगा बेटा, 119 बार होगा। 4 का यूज कितनी बार होगा, होगा बेटा 21 बार होगा। और जितने भी संख्या बचे हैं इनका यूज कितनी बार होगा, ये 20 बार होगा। कितनी बार होगा, 20 बार होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम लिख दें चौथा नंबर, अगर यहाँ से बोला जाए कि 401 से लेके और कहाँ तक, पाँच सौ तक में ये जो 4 है इसका प्रयोग कितनी बार होगा, 119 बार होगा। कितनी बार होगा बेटा, और 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो ये होगा 21 बार होगा। बाकी जितने भी संख्या होंगे उसका प्रयोग कितनी बार होगा, 20 बार होगा। स्पष्ट आपको आना चाहिए, और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 401 से लेके 500 तक की गिनती में 4 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका जवाब 119 बार होगा। 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो आपका जवाब कितना होगा, 21 बार होगा। अगर पूछा जाए कि मान लो यही पूछ दिया जाए 401 से लेके कहाँ तक, 499 तक में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, यानी 500 को क्या किया है, 500 ले रहे थे तो 21 बार हो रहा था, लेकिन 500 को हटा दिया तो कितनी बार होगा, ये 20 बार होगा। इन टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना सकते हैं और बनाए जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सारा सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें आपके दिमाग पर बैठ गई होगी, और ऐसा कोई प्रश्न नहीं होगा जो यहाँ से आप बना नहीं सकते हो। देखो क्लास की जो ऑफलाइन क्लास की जो पढ़ाने का तरीका होता है, ऑनलाइन क्लास पढ़ाने का तरीका होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। यहाँ पे आपको फैक्ट बताएंगे हम, यहाँ पे क्या बताएंगे, फैक्ट बताएंगे, वो चीज़ें बताएंगे, और जो हम लोग का क्वेश्चन करने का सीरीज होगा वो हम लोग लेके आएंगे क्वेश्चन का सीरीज, और बहुत अच्छे लेवल से लेके आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कराना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बेसिक और कंसेप्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर दिन भर में आप एक कंसेप्ट सीखो और दिन भर में आप 100 क्वेश्चन लगाओ, उससे बेहतर है कि आप दिन भर में एक कंसेप्ट सीखो। ऐसा कंसेप्ट सीखो कि कभी जिंदगी में वहाँ से क्वेश्चन बने तो आप छोड़ के ना हो, क्योंकि क्वेश्चन बेटा भूल जाएगा लेकिन कंसेप्ट नहीं भूलेगा। कंसेप्ट तैयार रखो, क्वेश्चन तो पता ना कितने कंसेप्ट बनाए जा सकते हैं, इसका कोई वैल्यू नहीं है। नंबर सिस्टम आदमी पढ़ाए तो 6-6 महीने लगातार पढ़ा सकता है, लेकिन इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मुझे क्वेश्चन देखना है कि एग्जाम में कैसे आ रहे हैं, और एग्जाम का पैटर्न देखना है कि आपको पता है कि बहुत से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, नया शिक्षा नीति आ गई, बहुत से पैटर्न चेंज हो रहे हैं, एग्जाम का लेवल चेंज होगा, हर चीज़ चेंज होगा, तो हम लोग उस पैटर्न पर काम करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के साथ। सभी को क्लास पसंद आएगी, धन्यवाद।